आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार, हाजिर है अमरकांत लेकर आज के फनकार। आज की हमारी फनकारा है अभिनेत्री नीलम। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मिठू मिठू बोले हाय। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मिठू मिठू बोले हाय। दोस्तों खूबसूरत अदाकारा नीलम कोठारी का जन्म हुआ हांगकांग में। कोठारी परिवार में जब इस कन्या का जन्म हुआ दोस्तों, तो परिवार ज्वेलरी बिजनेस में था और उस समय जन्मी ये कन्या अपने माता पिता के लिए किसी बहुमूल्य रत्न से कम नहीं थी। Yeah.
शमा हर पल जले। सबको बस में जो करे, जिस पे बस कोई ना चले। सबके दिल में जो रहे, बन के शमा हर पल जले। सबको बस में जो करे, जिस पे बस कोई ना चले। दोस्तों, एक ज्वेलरी बिजनेस करने वाले परिवार में जब एक कन्या रत्न का जन्म हो तो उसका नाम यकीनन नीलम ही रखा जाना चाहिए। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि नीलम का नाम नीलम क्यों पड़ा। खैर, हम आगे बात करते हैं कि नीलम की अदाकारी और हुस्न की चमक फिल्मी पर्दे पर नजर आई 1984 में, जब फिल्म जवानी रिलीज हुई। तेरी ये सादगी
पकली है क्या, हंस दे जरा, पकली है क्या, हंस दे जरा। फिल्म जवानी की कामयाबी ने फिल्मी दुनिया को एक मासूम, खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस तो दी ही, साथ ही नीलम की एक के बाद एक कई हिट फिल्में आईं, जैसे इल्जाम, आग ही आग, पाप की दुनिया, बिल्लू बादशाह, अफसाना प्यार का और कई कई फिल्में। यहाँ हम एक खास बात आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि 1986 में नीलम ने गोविंदा के साथ फिल्म इल्जाम की और ये फिल्म अपने संगीत के चलते जबरदस्त हिट हुई और फिर नीलम और गोविंदा की जोड़ी लगातार पर्दे पर नजर आने लगी। ओ मामा, 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 मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे लिए, फोटो पे लेके तराने, जादू सुरों के जगाने, मस्ती के नगमे सुनाने आ गई। ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे लिए, सबके दिलों को नचाने, कैसे करिश्मे दिखाने, क्या क्या निशाने लगाने आ गया। मैं आया तेरे लिए, तेरे लिए, दुम 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 दुम, हाँ दुम दुम दुम, दुम 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 दुम, हाँ दुम दुम दुम, दुम 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 दुम, हाँ दुम दुम दुम, दुम दुम दुम, हाँ दुम दुम दुम। में नीलम को मौका मिला फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का। इस फिल्म में नीलम ने अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार अदा किया था। नीलम के साथ उनके अपोजिट थे मिथुन चक्रवर्ती। मेरे हीरो, ये क्या करती?
मेरे जानो, मुझे डर लगती है। मेरे बालम, तेरा भाई हमको मारती। तुझे सलाम मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम तुझे सलाम। अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम। तूने क्यों मुझे बचाया? बस अपना फर्ज निभाया। क्या तू कुछ भी कर जाता? कर जाती। कर जाती नहीं, कर जाता बोलो। अच्छा अच्छा, कर जाता। मेरे लिए मर जाता? हाँ मर जाता। ओह माय गॉड, यू आर इन लव। हाँ, यू आर इन लव। वी आर इन लव। खबर मीण भरी चद, किसको था पता, किसको थी खबर, मिया में कोई चद। नीलम के बारे में हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि नीलम जहां एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, वहीं वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेस वुमेन भी हैं। उन्होंने अपने पारिवारिक ज्वेलरी बिजनेस को भी बड़ी कामयाबी के साथ संभाल रखा है। आपके आ जाने से
नक्शा आ गया जब सामने। नीलम ने अपनी प्रतिभा न सिर्फ बड़े पर्दे पर दिखाई बल्कि प्राइवेट टीवी चैनल पर भी उन्होंने उलाला और टॉप 10 जैसे कुछ कार्यक्रमों की सफल एंकरिंग भी की। नीलम को हमारी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अभिनेत्री नीलम पर। अब अमरकांत को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। फनकार।